मंदसौर में हुई झमाझम बारिश, रूठे इंद्र हुए प्रसन्न। वार्ड क्रमांक 26 पशुपतिनाथ मंदिर के सामने दो गधों को खिलाए गुलाब जामुन। मंदसौर में दोपहर के बाद से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद किसानों सहित आम जनता भी काफी उत्साहित है और सभी जगह खुशी की लहर है। उसी को देखते हुए मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 चंद्रपुरा के लोगों ने एकत्रित होकर दो दिन पहले सीतामऊ फाटक मुक्ति धाम पर रात के अंधेरे में पहुंचकर गधे के माध्यम से शमशान घाट परिसर में हल चलाया था और नमक और काली उड़द गाड़ी थी एवं भैरव जी की पूजा अर्चना कर प्रार्थना की थी। और अब यह सब तांत्रिक क्रिया होने के बाद गांव के ही मुखिया सोहन सिंह भदौरिया और कांग्रेस नेता शैलेंद्र गिरी गोस्वामी को गधे पर बिठाया गया था और अच्छी बारिश नहीं होने पर किसान सहित आम जनता काफी चिंतित थी। और आज मंदसौर में झमाझम बारिश होने के कारण निराश चेहरे भी खुश नजर आए हैं और इसीलिए वार्ड क्रमांक 26 के कांग्रेस नेता एवं क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर पशुपतिनाथ मंदिर के सामने दो गधों को पहले माला पहनाई, उसके बाद उन्हें 1.25 किलो गुलाब जामुन का सेवन कराया गया और इंद्र भगवान से प्रार्थना की गई है कि मंदसौर की शिवना नदी उफान पर आए और पशुपतिनाथ की प्रतिमा जलमग्न हो, यह प्रार्थना की गई है। और अभी तक आप लोगों ने सिर्फ लोगों के मुंह से ही सुना था कि गधों को गुलाब जामुन खाते हैं, पर आज हम आपको हकीकत में दिखाएंगे। यह तस्वीर जिसमें दो गधों को पहले तो माला पहनाई उसके बाद गुलाब जामुन खिलाए, इस नज़ारे को देखने के लिए गुजरने वाले लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और तांत्रिक क्रिया करने के पहले कई सामाजिक संगठनों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर कांवड़ यात्रा निकाली थी। इसके साथ ही मंदसौर में सर्व समाज ने प्रार्थना रैली निकालकर भगवान से प्रार्थना की थी कि मंदसौर सहित अंचल में अच्छी बारिश हो, क्योंकि कई दिनों से मंदसौर में बारिश नहीं हो रही थी। इसी के साथ शहर ब्लॉक कांग्रेस ने भी वाहन रैली के माध्यम से शहर में सभी धार्मिक मंदिरों सहित नाहर से दरगाह पर पहुंचकर दुआ की थी कि मंदसौर में अच्छी बारिश हो और नालछा माता मंदिर पर उज्जैनी का आयोजन भी किया गया था। और आज मंदसौर में झमाझम बारिश होने से किसान सहित आम जनता व्यापारी भी खुश हैं। इंद्र को मनाने के लिए शमशान घाट पर अंधेरे में एक हल चलाया गया था, जिसके बाद गधे के माध्यम से जो हल बनाया गया था, जिसके बाद आज बारिश मंदसौर में अच्छी हो रही है सुबह से। उसी को देखते हुए क्षेत्रवासियों द्वारा यहां पर गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। जो नज़ारा आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सुना था कि गधों को गुलाब जामुन खिलाया जाता है, पर आज जो हकीकत में यहाँ पर गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है। गधों को गुलाब जामुन खिलाने की एक कहावत थी जो आज क्षेत्रवासियों ने और यहाँ के जो जनता है हमारे, जिन्होंने जो अभी दो दिन पहले जो काम किया था उसको पानी अच्छा आने से इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, पानी अच्छा आ गया, इसलिए हम गधे को गुलाब जामुन खिला रहे हैं और ये कहावत को सही साबित कर रहे हैं। आप लोगों ने आज जो दो दिन पहले एक शमशान घाट में क्रिया की थी, उसके बाद आज गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? ये अच्छी बारिश को लेकर हमने शमशान में गधों को ले जाकर पूजा अर्चना की और भगवान इंसानों की नहीं सुनता है, कभी कभी एक चीज़ वो भी काम में आ जाती है जिससे अपन जिसको अपन महत्व नहीं देते हैं। गधों को कभी हमेशा इनको काम के लिए महत्व दिया गया, इंसान के लिए अगर मान लो ज़रूरत पड़ी तो इंद्र देवता के लिए पूजा अर्चना के लिए शमशान में गए और इन्होंने शमशान की बुआई की और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है, इसका नतीजा इसलिए हमने आज गधों को मुँह मीठा कराया गुलाब जामुन के साथ। और ये कहा कितने गुलाब जामुन खिलाए? हमने 1.25 किलो गुलाब जामुन खिलाया गधों को और ये परंपरा है कि जब भी हम पूजा अर्चना करके आते थे, गुप्त पूजा थी लेकिन मीडिया के माध्यम से हमने इसको प्रचलित किया और जनता तक बताया कि ऐसी क्रिया से मालवा जो क्षेत्र है काफ़ी क्रियाओं के लिए मशहूर है और यहाँ की करी हुई बात को भगवान इंद्र देवता सुनते हैं। भगवान आशुतोष से प्रार्थना की जाएगी कि भगवान पशुपतिनाथ के चारों मुंह डूब जाए और जलमग्न हो जाए पूरी प्रतिमा, क्या मानते हैं? इसके लिए प्रार्थना की है और उसी का नतीजा, और हम मान रहे हैं कि 100% यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ आशुतोष भगवान की मूर्ति डूबेगी, 15 दिन के अंदर अंदर भगवान जल अभिषेक होगा। ये थे मेरे साथ में शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, जिनका कहना है कि रूठे इंद्र को मनाने के लिए कई तरह के जतन मंदसौर वासियों द्वारा किए गए थे, जिसके बाद आज मंदसौर में जिन गधों का शमशान घाट में हल चलाने के लिए उपयोग किया गया था उन्हीं गधों को आज यहाँ पर 1.25 किलो गुलाब जामुन खिलाए गए हैं। मंदसौर की माटी के लिए विपिन चौहान, मंदसौर।